रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने ओवैसी को लेकर एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसके बाद विपक्षी दलों ने यूपी से लेकर गुजरात तक दोनों पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी और ओवैसी के मिले जुले रिश्ते का सच एक बार फिर से सामने आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला देखिए। चुनाव हो न हो, असदुद्दीन ओवैसी खबरों में जरूर रहते हैं। फिलहाल ना तो यूपी में चुनाव है और ना ही गुजरात में, लेकिन इन दोनों राज्यों में ओवैसी का जिक्र जरूर हो रहा है। AIMIM के चीफ ओवैसी चंद रोज पहले पूर्वी यूपी के दौरे पर थे। सियासी नेताओं से मुलाकात हुई, शायद टटोलने की कोशिश थी कि यूपी में चुनावी समीकरण में गणित इनके पक्ष में बैठेगा कि नहीं। हालांकि अभी ओवैसी ने यूपी में चुनाव लड़ने का खुला ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना को लेकर ही बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की बांछें खिल गई हैं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो सुनिए सांसद महोदय से ही जवाब। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में बस। सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज उन्नाव से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन कन्नौज में उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। एक ऐसा बयान जो ओवैसी को पता नहीं कितना चुभेगा, लेकिन दूसरे विपक्षी दलों को अपनी भड़ास निकालने का भरपूर मौका मिल गया है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इस राज से उस राज जाते हैं, और इनके हेलीकॉप्टर में डीजल पेट्रोल कौन डलाता है सबको पता है। इसीलिए अब तो अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज ने खुल कर ही बोल दिया कि भैया बिहार में गए थे हमारी मदद करने के लिए, अब वेस्ट बंगाल में जाएंगे हमारी मदद करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी आके हमारी मदद करेंगे। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया, जनता को साफ साफ दिखाई देने लगा कि ओवैसी जी किसके कहने पे इधर उधर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी का अच्छा खासा दखल है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी का भी दौरा कर सकते हैं। पश्चिम यूपी एक ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम आबादी 20-40% है। अब बीजेपी के विपक्षी दलों को यही डर सता रहा है कि कहीं ओवैसी मुस्लिम वोटों में बंटवारा न कर दे, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सिर्फ यूपी में विपक्षी दल ही नहीं बल्कि गुजरात में कांग्रेस भी परेशान है। वजह, ओवैसी की पार्टी का गुजरात में स्थानीय निकाय के चुनाव में लड़ने का फैसला। रही सही कसर साक्षी महाराज के बयान ने पूरी कर दी है। गुजरात के बड़े कांग्रेस नेता अर्जुन मोढ़वाड़िया का ट्वीट जरा गौर से पढ़िए और समझिए। बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी जी की मिली जुली कुश्ती का सच बाहर आ गया। बीजेपी सांसद महाराज कह रहे हैं कि खुदा ओवैसी जी को ताकत दे, उन्होंने यूपी बिहार में बीजेपी का सहयोग किया था, अब बंगाल में भी करेंगे, हैदराबाद में दोस्ती निभाई और गुजरात में भी आ गए। विपक्षी दल शुरू से ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का तमगा देते आए हैं। अब साक्षी महाराज के ताजा बयान से उन्हें एक बार और दोनों को घेरने का मौका मिल गया है। कन्नौज से नीरज श्रीवास्तव और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।